हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं क्लच प्लेट के बारे में। ये देखिए, आपके सामने एक रखी है हीरो जेन्युइन क्लच प्लेट, एक रखी है FCC क्लच प्लेट जेन्युइन। ये दोनों ही क्लच प्लेट स्प्लेंडर की है। अब देखिए, पहले तो हीरो वाले ये हीरो की क्लच प्लेट जेन्युइन दे रहे थे, हीरो लिखा आता था अंदर। हीरो की क्लच प्लेट होती थी जेन्युइन, इसकी MRP क्या है 360, अभी फ़िलहाल 380 हो गई है, पुरानी MRP की पड़ी है, ठीक है। दूसरी क्लच प्लेट आप हम बात करते हैं, ये FCC जो क्लच प्लेट है, इस पर MRP कितनी है, कुल 215। ये मेड इन जापान है, ओरिजिनल क्लच प्लेट है। अब हीरो वालों ने क्या करा है, ये जापान जो जापान मेड इन जापान है क्लच प्लेट, FCC पूरी असेंबली इसकी दे रहे हैं। अब बात करते हैं इस बारे में, देखिए ये जो FCC क्लच प्लेट है, अब हीरो वाले ये क्लच प्लेट देते हैं। अब जैसे कोई मैकेनिक है समझ लो, वो अगर ये FCC क्लच प्लेट डालता है कस्टमर के सामने, तो कस्टमर को यकीन नहीं होगा कि ये FCC क्लच प्लेट ओरिजिनल है। कस्टमर जो है वो इसी पे भरोसा करेगा कि भाई हमारी हीरो की क्लच प्लेट जेन्युइन डालो, हीरो क्लच प्लेट जेन्युइन डालो। हीरो क्लच प्लेट कितने की, 360। अगर आप बाहर से कहीं से भी खरीदते हो, इस पर MRP 360 है, तो ये आपको 320 30 40 के आसपास मिलेगी, ठीक है। और ये क्लच प्लेट जो है, ये आपको आप कहीं से भी मार्केट में ख़रीदते हो 170 180 कोई जिस हिसाब से जो भी बेचता हो, ये रेट मिलेगी, ठीक है, क्लच प्लेट। और अब जो गाड़ी BS6 हैं, स्प्लेंडर वगैरह हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, उनमें क्लच प्लेट ये निकल रही है FCC। अब ये बताइए, ये हीरो वालों ने ये दिए, कस्टमर को यकीन नहीं आएगा। ये क्लच प्लेट FCC के जो है, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ये मेड इन जापान है, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल जेन्युइन में है, और जेन्युइन में यही आ रही है। अब तो अब जितने भी मैकेनिक लोग हैं, जितने भी भाई लोग हैं, सब FCC क्लच प्लेट यूज़ करें, क्योंकि ये इसमें बेनिफिट ये है, एक तो ये सस्ती हैं, और दूसरी चीज़ इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, और गाड़ी में जो बाइक में नई बाइक आ रही है उसमें भी अब FCC क्लच प्लेट डाल रहे हैं, FCC क्लच प्लेट निकल रही है, पूरी असेंबली FCC की निकल रही है, ठीक है दोस्तों।